शॉर्ट फिल्म है, वीक मिनट की शॉर्ट फिल्म हैगी है। विदेशों फिल्म फेस्टिवल बहुत होंगे है, अपने देश भी होंगे है, लेकिन बाकी जोड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। मैं बनाई फिल्म वो है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ला लो तुसी या कोई NRI लड़की नाल कुछ गलत होया होवे, यू नो न्यूज़ हैगी इदा दियाँ इन द पास्ट जोड़ा कुछ होया। सो उन्होंने तो इंस्पायर हो के मैं ये फिल्म बनाई है। साइलेंट एस्केप नाम इसलिए रखा कि ये कुछ मोमेंट होंगे कि बच्चा बच्चे किडनैप करके उन्होंने बैगर बनाया जाता। सो वो बेस से बहुत मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत वधिया एक्सपीरियंस सीगा मेरा। ये बहुत वधिया फिल्म आ जो एक कंटेंट वधिया या एक आर्टिस्ट सारे बहुत चंगे सीगे, एक साडे डायरेक्टर जो एक बहुत वधिया यू नो समझाउण वाले, एक वधिया काम करन वाले, एक राइटर भी ने, मतलब सब कुछ हो ही ने, तो उन्होंने किदा काम करवाया, बहुत वधिया काम एक्सपीरियंस सीगा मेरा इन्हां दा। मैं एक मदर का करैक्टर किया इहदे च, ते मेरा एक 8 साल का बेटा है इहदे च, ते वो एक NRI फैमिली है जो बाहर रहिंदी सी 15 साल बाद वो इंडिया च आंदी है, ते उहदे नाल की हुंदा जो कुछ बैड हुंदा वो चीज़ दिखा के एक माँ का अपने बच्चे तो बिछड़ना और उन्हें किदा दोबारा पाना, ये सब कुछ उस दस्या होया। और एक हुंदा ना चाइल्ड ट्रैफिक बारे भी दस्या होया इहदे विच, जो जो कुछ गलत हो रहा साडी साडे मुल्क दे विच या बाहर भी बहुत चीज़ा यह जी है, बट आप चीज़ा इग्नोर कर देने, वो चीज़ा सारिया इहदे विच है कि जिदा भतीजिया के नाल ही हमेशा भूआ फ्रेंडली होंगी है। सो ये भी इदा का ही है। और मूवी के जो मैसेज आ एक है कि जिदा NRI बड़े टाइम बाद पंजाब वापस आते हैं बड़ी उम्मीदा लैके कि असं उत्थे जावे अपन मिलोंगे इंजॉय करा, बड़े टाइम तो रिश्तेदारों तो दूर होंगे ने सारे। सो ये यही है कि इदा ये लड़की 15 साल बाद वापस आँदी है, मेरी भतीजी जो उदा एक छोटा जहा बच्चा होंगे जो ऑस्ट्रेलिया का ही बॉर्न है, तो वो बड़े चावान नाल उन्होंने फर्स्ट टाइम पंजाब लेके आँदी है कि मैं अपने पंजाब का कल्चर दिखाव उत्थे कि किदा का माहौल है सारा, बट वो कुछ इदा का हो जाता है कि वो दिल के एक डर बैठ जाता कि सैकेंड टाइम आने तो पहला बंदा सोचता है कि मैं जावा या ना मैं जावा पंजाब। इदा मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत वधिया और मैं इस चीज़ में सोचती हाँ कि चलो हुण तक आपां पंजाब दे विच तां ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं, और जदों अपना कोई प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लैवल पर जा रहा होवे तां कहिंदे हुंदे ना भावें छोटा जिहा हिस्सा होई गया आपां उहदा, बट अपने लिए वो प्रोजेक्ट हुंदा जिहड़ा अपना एक ड्रीम हुंदा, एक टीम आ एक फैमिली की तरह हुंदी, सारिआं दी मेहनत हुंदी है उहदे विच। सो बहुत वधिया फील हो रहा है और थैंक्स कर दी हाँ डायरेक्टर योगी देवगन सर का, जिन्हें ने मैनू लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया तो आए ने, पता नहीं उन्हें डायरेक्शन च एक हुंदा सहम हुंदा अपने दिल से नवे प्रोजेक्ट ले जित जाने, बट उन्होंने डायरेक्शन च काम करके सानू कुछ इदा का लगे ही नहीं। बहुत नाइस परसन ने और बहुत वधिया काम किया उन्होंने लगे।